हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर डिपो की कार्यशाला की बदहाली कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कार्यशाला और परिवहन निगम कर्मचारी संगठन ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मरम्मत कार्यों में ईमानदारी से काम नहीं हुआ है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। साथ ही सिंचाई विभाग की सीवरेज लाइनें भी टूटी हुई है। इस हालत में कर्मचारियों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से उसने काम किया है, वो 6 महीने के बाद ही उसकी टाइलिंग उखड़नी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो क्रशर का रेता उसने यूज़ किया है, और उससे जब मौसम साफ़ होता है तो धूल ही धूल हमें झेलनी पड़ती है। अगर मौसम ख़राब होता है तो वर्कशॉप में कीचड़ ही कीचड़ होता है, जिससे काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमारे यहाँ पे वर्कशॉप में बहुत सारी समस्याओं का अवलोकन है। यहाँ पे जो ठेकेदार ने अपना कार्य किया है वो बहुत ही असंवेदनशील है, जिसका कि 6 महीने ही हुए हैं अभी काम करके, 6-7 महीने, और इससे बहुत सारी धूल जब हम काम करते हैं हमारे नाकों में, कानों में, इधर उधर बहुत सारा कपड़े हमारे बहुत गंदे हो जाते हैं। कि हमने विभाग से कई बार गुहार भी लगाई है और उनको फ़ोन करके भी बताते हैं, तो वो लोग उसका भी कोई भी अवलोकन नहीं करते हैं।